नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, अभी ये 6283 का जो एम्पलीफायर है, मैं इसे अभी रिपेयर कर रहा था। तो रिपेयर करते समय मेरे को इसमें कुछ दिखाई दिया, तो मैंने सोचा इसकी जानकारी आपको भी देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो है, ये देखिए, यहाँ पर ये 6283 का जो हमारा बोर्ड लगा हुआ है, तो ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये रेजिस्टेंस यहाँ क्यों लगाया गया। देखिए, जब भी कोई कंपोनेंट आपको किसी भी सर्किट में दिखाई देता है, तो उसकी सर्चिंग जरूर YouTube पे करें, और अगर YouTube पे नहीं है तो कहीं अदर पे करें। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी कंपोनेंट लगा हुआ है, उससे अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो कंपोनेंट यहाँ एक्स्ट्रा लगाया गया है, वो किस लिए लगाया गया है, उसका काम क्या है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा। अब देखिए, यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने एम्पलीफायर चला रखा है, ये देखिए। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसमें 4 इंची का स्पीकर लगा हुआ है, ये देखिए, ये 4 इंच का स्पीकर लगा हुआ है। और ये इसलिए लगाया गया है दोस्तों, रेजिस्टेंस की वॉल्यूम फुल करने पे इस वाले स्पीकर के अंदर आवाज़ जो है वो फटने लग जाती है। तो यहाँ पर क्या करा गया, ऑडियो से ग्राउंड, ये ऑडियो इनपुट का तार लगा हुआ है। यहाँ पर फिर एक हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, रेजिस्टेंस के बाद जो है ऑडियो को ग्राउंड कर दिया गया, जिससे कि आवाज़ को कम करा जा सके, जिससे कि जब स्पीकर के अंदर आवाज़ चल रही हो वो आवाज़ फटे ना। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, रेजिस्टेंस अभी लगा हुआ है, हटा के दिखाता हूँ इसकी आवाज़, देखिए कैसे फटने लग जाएगी। ये देखिए, आवाज़ अभी एकदम क्लियर चल रही है, लेकिन जैसे ही मैं रेजिस्टेंस को हटाऊंगा तो आवाज़ जो है वो फटने लग जाएगी। देखिए, ये देखिए रेजिस्टेंस है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये देखिए। आवाज़ इसलिए फटने लग गई क्योंकि आवाज़ जो है इसके अंदर वो तेज हो गई, और तेज होने के कारण जो है वो फटने लग गई। तो रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम ये था कि जो ऑडियो को जो है वो बहुत ही कम कर दिया है। अगर किसी रेजिस्टेंस को हम ऑडियो से ग्राउंड कर देते हैं, तो वहाँ पर जो है साउंड जो है वो कम हो जाता है, और हमारा जो स्पीकर है वो फटना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर लिमिट के हिसाब से ही रेजिस्टेंस को लगाया जाता है। तो आप जो है अपने भी बोर्ड, कोई सा भी अदर बोर्ड हो, अगर ऑडियो को ग्राउंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप रेजिस्टेंस खुद देख सकते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस आप जो है वो लगा सकते हैं, और किस रेजिस्टेंस के वैल्यू के हिसाब से आपका जो स्पीकर है एकदम बढ़िया वर्क कर रहा है, और वहाँ पर आवाज़ जो है वो नहीं फट रही। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना।